हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे। आज हम पढ़ने वाले हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसके बारे में डिटेल लेंगे। मुझे विश्वास है कि ये टोटल टॉपिक आपको सिंपली एकदम सीधी तरह से हम समझ लेंगे उसे। कोई ज्यादा ट्रिक्स या ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे उसे। और सबसे यानी अहम बात यह कि आपको वीडियो को पूरा देखना है। अगर पूरे देखी तो आपको वो चीज पूरी समझ में आएगी। दूसरी बात ये कि मैं मेरा पूरा सिलेबस का जो एक कोर्स चल रहा है साइंस वन का, साइंस टू का, तो मैं आपसे ये भी कहूंगा कि जो पिछले के वीडियो है टोटल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के टोटल वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो ये पार्ट थोड़ा समझ में आएगा, या फिर थोड़ा आपको इसमें समझने में थोड़ी दिक्कत जा सकती है। इसलिए जो पिछले के वीडियो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल तक के पूरे देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको जो आने वाले वीडियोस हैं इस टॉपिक की बेस पे और टोटल होल सिलेबस की बेस पे वो पूरी आपको मिलती जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सिंपली समझ लेंगे। पहले एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक एक चीज समझ लेंगे। इंडेक्स यानी एक नंबर निकालना है, एक कोई तो भी ऐसा एक नंबर है जिस नंबर के बेस पर एक चीज डिसाइड की है, डिटरमाइन की है, वो चीज रहती है इस लाइट की वेलोसिटी और लाइट का बेंडिंग। दो चीज, लाइट की वेलोसिटी और लाइट का बेंडिंग। बेंडिंग यानी दो एक बात और हो गई, उसमें डायरेक्शन भी चेंज हुआ, अमाउंट ऑफ डायरेक्शन भी चेंज हुआ। और एक बात इसमें है, डायरेक्शन चेंज हुआ तो उसका सम ऑफ द अमाउंट जो एंगल है वो भी चेंज हो गया है। समझ में आई बात? क्या कहा मैंने अभी? देखो, एब्सोल्यूट इंडेक्स निकालना है, एक नंबर निकालना। नंबर किसके बेस पे निकालना है? एक तो लाइट बेंड कितनी होती है, तो इसमें एंगल और डायरेक्शन दोनों आ गए। और दूसरी बात, वेलोसिटी कम या ज्यादा होती है, ये निकालना है। ठीक है, अब देखो, डायरेक्शन चेंज होना, वेलोसिटी कम होना, एंगल चेंज होना और बेंड होना, इसको हमने क्या बोला था? रिफ्रैक्शन बोला था। चेंजिंग ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। सो इसका वन जो मीडियम है, वन जो यानी पहला जो मीडियम है वो रहता है, वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रहता है वैक्यूम। क्या रहता है? वैक्यूम। अगर पहला मीडियम वैक्यूम हो और दूसरे कौन से भी मीडियम की, ये अगर तुम ग्लास, अगर ग्लास हो सकता है, ये वाटर हो सकता है, ये डायमंड हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है, ट्रांसपेरेंट चीज, जिस चीज में से उस वस्तु में से, उस मैटर में से, या फिर उस ऑब्जेक्ट में से लाइट ट्रैवल करती हो या ट्रैवल होती हो, कैन ट्रांसपेरेंट लाइट। बट पहला मीडियम कौन सा है? वैक्यूम। सो क्या हो गया? रिफ्रैक्शन क्या बोला था? द लाइट रेज इज चेंजेस इट डायरेक्शन व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। दैट इज, वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इज अ वैक्यूम, अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज सम एनी ऑफ दीज ऑब्जेक्ट, ग्लास और एनी ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है। अब देखो, लाइट ट्रैवल हो रही है इसमें से एकदम, यहां पे पार्टिकल कोई भी नहीं है, यहां पे वैक्यूम में कोई पार्टिकल नहीं होते। तो अगर कोई भी पार्टिकल नहीं होते तो लाइट स्ट्रेट यानी सीधी जाएगी और ना ही उसका स्पीड चेंज होगा, ना ही उसका बेंडिंग होगा, ना ही उसका एंगल चेंज होगा। देखो क्या होगा, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा। सो अगर वो दूसरे मीडियम में जब भी जैसे भी एंटर कर दिए तो उसका स्पीड, उसका डायरेक्शन, उसका एंगल, अभी एंगल क्या होता है, जहां पे लाइट गिरती है वहां से एक नॉर्मल निकाला और वहां से अगर ये ज्ञापी और रिफ्रैक्टिव बेस अंदर गई तो यहां का हो गया अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस आय क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस आय, ये भी हमने पढ़ा था। एंगल ऑफ इंसिडेंस आय यानी द एंगल मेड बाय इंसिडेंट, दिस इज द इंसिडेंट रेट, इज पूरे चैप्टर में एक ही चीज से लेकर हम आगे जा रहे हैं, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस,
जहां पे रेस गिरी वहां पे नॉर्मल डाला, और नॉर्मल का और इंसिडेंट रे का जो एंगल होता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। डिफाइन लिख के लो, द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे टू द नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। द रे विच इज इंसिडेंट ऑन द सर्फेस इज कॉल्ड एज, और एनी टाइप ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। सो देन व्हाट इज रिफ्रैक्टेड रे? द रे विच इज रिफ्रैक्ट फ्रॉम द मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टेड रे। और what is angle of refraction? Angle of refraction is the angle made by the refracted ray to the normal. Normal के साथ जो refracted ray ने जो angle create किया है उसको angle of refraction R बोलेंगे। So angle of incidence I, angle of refraction R. ठीक है friends? अब देखो friends, absolute refractive index इसकी definition क्या होगी? The refractive index of the medium is calculated with respect to vacuum is called as its absolute refractive index. इसका कौन सा नंबर निकाला हमने? यहां से लाइट ट्रेवल करते हुए कितनी स्पीड में, कौन से एंगल से बेड हो रही है, और किस डायरेक्शन में कितने प्रोपोर्शन में वो बेड हो रही है, ये जो नंबर निकाला है वो हो गया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रेंड्स। और इसका जो पहला मीडियम है कंपेयर करने वाला वो वैक्यूम होता है, इसलिए इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बना है वो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और फ्रेंड्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय ओनली स्मॉल एन, दैट इज। अब देखो यहां पे टू नहीं लिखा क्योंकि ये टू मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। किससे कंपेयर करते हुए? विद रिस्पेक्ट टू वन मीडियम, फर्स्ट मीडियम। तो फर्स्ट मीडियम हमारा एनी टाइम क्या रहेगा? फर्स्ट मीडियम रहेगा, एनी टाइम वैक्यूम सेकंड मीडियम रहेगा। सो कौन से भी मीडियम का एन दिखाने के लिए, कौन से भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाने के लिए विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम हम डिनोट करेंगे उसे एन से। ठीक है फ्रेंड्स, अब केसेस क्या कह रहे हैं देखो, ये थ्री केसेस भी इसमें ही पढ़ेंगे हम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और केसेस। केसेस में क्या होता है, केस फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट केस क्या बोल रहे, केस वन, if light rays is travel from one transparent to another transparent medium it changes its direction it's called as refraction, but first medium agar rarer ho aur second medium agar denser ho to case first mein kya aata hai, dekho case first kya kehti hai, pehla medium rarer ho दूसरा मीडियम डेंसर हो, यानी यहां पे पार्टिकल कोई भी नहीं, यहां पे पार्टिकल थोड़े से ज्यादा क्राउडेड पार्टिकल है। तो लाइट ट्रैवल करते समय जब ट्रैवल करती है, जहां पे बेंड होती है, तो डेंसर मीडियम वो टुवर्ड्स नॉर्मल यानी फ्लक्चुएट होती है या फिर झुकती है थोड़ी सी। ठीक है, क्या बोला हमने, अगर इफ द लाइट रेज ट्रैवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम बस but first transparent medium is rarer and the second is denser, then the refracted ray is towards normal. ये होगा पहला केस, लिख लेंगे हम उसे। कैसा लिखना है? If the light ray just travels from one transparent to another transparent medium, but first transparent medium is a rarer medium, another is a denser medium, and वो थोड़ा crowded medium है, समझो वो glass है। So glass में से travel करते समय वो जो लाइट बेंड हो रही है ये टुवर्ड्स नॉर्मल हो रही है, नॉर्मल की तरफ झुक रही है, ये पहला केस। दूसरा केस क्या है? दूसरे केस में, केस सेकेंड, अब देखो, अब लाइट यहां से यहां पे आ गई और ग्लास में से एयर में जा रही है। तो अब देखो केस टू में क्या हो रहा है, केस टू में अभी जो पहला मीडियम है वो डेंसर है क्योंकि लाइट पहले एयर से ग्लास में है या वैक्यूम से ग्लास में है, अब ग्लास में से फिर एयर में ट्रैवल कर रही है, एयर में एंट्री कर रही है क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम है ग्लास भी। सो अगर पहला मीडियम डेंसर हो केस टू में क्या होता है, केस फर्स्ट में क्या हुआ, पहला मीडियम रेयर है, दूसरा डेंसर, अभी ये डेंसर है वो रेयर है, यानी अब इसको हम पहला मीडियम समझेंगे। केस टू, डेंसर मीडियम, फर्स्ट मीडियम इज अ डेंसर मीडियम, यानी थोड़ा ये क्राउडेड पार्ट है एयर से ज्यादा। तो अभी क्या हो रहा है, सेकंड मीडियम कौन सा है, रेयरर है, यानी वैक्यूम है,
अगर लाइट पहला मीडियम अगर वो डेंसर हो और दूसरा रेयरर हो तो लाइट इज ट्रैवल और रिफ्रैक्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल. पहले केस में क्या हुआ था, पहले केस में द रिफ्रैक्टेड रे ट्रैवल और कैरी और पास ट्रैवल टुवर्ड्स नॉर्मल यानी नॉर्मल की तरफ झुकती थी. दूसरे केस में क्या हुआ, नॉर्मल से दूर जा रही है. देखो केस टू में डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम, पहला मीडियम जो है डेंसर है, दूसरा रेयर है, तो वो जो रिफ्रैक्टेड रे जो अभी जा रही है, यहां पे अब अपना हो गया अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर. ये केसेस काम आने वाले हैं जब हम मिराज पढ़ेंगे तब, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है इस पॉइंट में भी एक काम आने वाले ये केसेस, इसलिए ये ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़े, ध्यान से समझिए. और दूसरी बात क्रिटिकल एंगल, और वो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, क्रिटिकल एंगल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सब चीजें अगर ये केसेस समझ में आई तो हमको ये इजीली समझ जाएंगे ये चीज. ठीक है, अब केस तीसरा क्या है, केस में क्या होता है, समझो ये पहला मीडियम है हमारा वैक्यूम, दूसरा है ग्लास, तो क्या हुआ लाइट आके यहां पे इंसिडेंस हुई, तो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा जीरो. तो इसमें क्या लिखेंगे हम, ये हो गया हमारी केस थ्री में हम लिखेंगे इफ लाइट रेज इज इंसिडेंट एट इंटरफेस ऑफ द सेकंड मीडियम, यानी इंटरफेस का मीनिंग होता है अगर क्रॉस हो तो कुछ एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ, लेकिन अब ऐसा इंटरफेस हो रहा है जहां से नॉर्मल डालना है वही से लाइट आ रही है, जहां से नॉर्मल होता है वही से लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो यहां का जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो जीरो है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा. तो केस थ्री में लिखेंगे हम द रिफ्रैक्टेड रे इज अनडिविडेड और स्ट्रेट फॉरवर्ड और पासिस इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया थ्री केसेस और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये केसेस हमको जहां पे मिराज पढ़ना है तब काम आएंगे, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है. जैसे कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी एकाध मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, किसके साथ कंपेयर करते हुए वैक्यूम के साथ कंपेयर करते हुए, और टोटली जो चार्ट हमने ऊपर पढ़ा था, जो चार्ट में टोटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले हुए है वो टोटली विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम ही निकाले हुए. सो पहले वैक्यूम में लाइट ट्रैवल स्ट्रेट फॉरवर्ड करती है, यानी वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो सम ऑफ द अमाउंट में 1.003 एयर का है, बाद में 1.3 वाटर का है, 2.43 डायमंड का है, ग्लास का समथिंग होगा. तो ऐसा क्यों है, क्योंकि लाइट ट्रैवल करते समय, लाइट पास होते समय जहां से उनको डिस्टर्बेंस होता है वहां पे वो बेंड होती है, डायरेक्शन चेंज करती है, जितना बेंड होती है. अब देखो, अब उनको एक चीज और पढ़नी है कि लाइट ट्रैवल होते समय लाइट की जो कलर्स है, कलर भी अगर सेम मीडियम में हो तो भी वो ज्यादा कम ज्यादा रिफ्रैक्ट होते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे.